नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। शाहजहांपुर जिले की खनौत नदी में साफ सफाई न होने के चलते एक युवक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस युवक ने नदी की धारा को ही धरना स्थल बना दिया। जिसने भी युवक को देखा वो हैरत में पड़ गया। कोई ये समझ रहा था कि युवक नदी में नहा रहा है, कोई ये समझ बैठा कि युवक नदी में डूब रहा है। हद तो तब हो गई जब पुलिस भी युवक से विनती करती हुई नजर आई। आखिरकार पुलिस ने युवक को काफी मशक्कत के बाद नदी से निकाला और अपने साथ ले गई। मेरी मांगे जो है, ये नदी को साफ कराया जाए। जहाँ गंगा की जो भगवान की मूर्तियाँ सराई जाती हैं, वहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से लोग कूड़ा डाल रहे हैं और नाले के गंदगी पन्नी सब आ रही है और जहाँ जमा हो रही है, तो इसी के लेके मैं धरना प्रदर्शन कर। एक तरफ सरकार मेरी गंगा नदी को साफ कराने की बात कर रही, लाखों रुपया लगा रही है, वहीं लोग देख रहे हैं किस तरीके से गंदा कर रहे हैं। हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिया मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आज मजबूरी में हमें धरना प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़े। काफ़ी यहाँ पे लोग लैट्रिन वैटरिन भी करने आते हैं, बहुत सारी बदबू आ रही है यहाँ पर। यूपी सरकार खुद को किसानों की हितैषी बताती है, लेकिन यहाँ पर किसानों की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है। महोबा जिले में पाठशाला को गौशाला में परिवर्तित कर दिया गया। ये अनोखा मामला महोबा से ही सामने आया है। ये सैकड़ों गायें किसी गौशाला में नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय में बंद हैं। इनके यहाँ होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, साथ ही इनसे गांव के किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। दिन रात गांव में घूम रहे आवारा जानवर फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये समस्या वहाँ पे थी और वहाँ पे विद्यालय का जो मैदान था उसमें कुछ गायें वहाँ पे लोगों ने इकट्ठी की, तो हमने इनको तत्काल भेजा और उस समस्या का समाधान कराया। हम सुबह सुबह पढ़ने आए थे, तो सुबह 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 यहाँ पर गेट में ताला लगा था। अच्छा। और अंदर जानवर थे, तो हम गए अंदर, तो वहाँ पर हमने अपने अपने बैग रख दिए। जब हम अंदर गए तो हमें जानवरों ने मारा, तो हम बाहर आ गए। अच्छा। इसलिए हमारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हरदोई की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। भीषण आगजनी की इस घटना में 10 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। मैं मंडी चौकी क्षेत्र पर मौजूद था, मुझे सूचना मिली कि सब्जी मंडी में आग लगी है। अपने पुलिस बल के साथ रेलता और अधिकारी सूचना देते हुए तत्काल मौके पर आया। यहाँ जितने भी आग की फैलने की संभावना है उनको पहले हटाया गया, जटका वगैरह से हटवाई गई। तब तक फायर सर्विस भी आ गई, आग को कंट्रोल कर लिया गया और कोई आग की ऐसी स्थिति नहीं, सब कंट्रोल में। सब्जी मंडी में मतलब जो है टीन शेड के नीचे मतलब लाटर दुकानें जो हैं उसमें आग लगी थी और उसमें कोई में भी द्वारा सूचना मिलने पर यूनिट ने आकर उसको कांड किया और उसमें लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान है। सर, एक नंबर दुकान से लगी बिजली से, ऑटो चार्ज हो रहा था उसमें, उससे चिंगारी छूट के ये हुआ सर, और उसमें से कम से कम 8-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सबकी करेटे जल गई, सब कुछ हो गया। बारदाना नारियल लगा था वो भी जल गया, सब करेटे जल गई, 8 दुकानों में लगी है आग। हरदोई में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे में एक कांवड़ी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बिलग्राम में अज्ञात वाहन के द्वारा ट्रैक्टर पर टक्कर मारने से हुई। टक्कर लगने से ट्रैक्टर पर बैठा कांवड़िया गिर गया, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे हादसे में इरफान नाम का युवक बाइक पर बाजार की तरफ से घर लौट रहा था, तभी उसकी बाइक पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। बहरहाल इस हादसे के बाद दोनों ही परिवारों में मातम पसरा हुआ है। थाना बिलग्राम में 2 अलग अलग हादसों में 2 व्यक्तियों की जान गई है। उसमें से एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर पे कहीं से वापस आ रहा था, उसी ट्रैक्टर पे नीचे गिर के उसी ट्रैक्टर के पहिए से दब करके उस व्यक्ति की मौके पे घायल हो गया था। उसको तत्काल पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां आज उसके मरने की सूचना प्राप्त हुई। मुझे ट्रैवल लेने जा रहा था, तो बाईपास पे वो गिर गया, काली पूरी नीचे आ गया। यूपी के शाहजहांपुर में कांवड़ लेकर जा रहे 2 बाइक सवार कांवड़ियों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कांवड़ी के साथ हुए इस हादसे से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल घायल कांवड़ी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे पास अभी करीब 4 इंजर्ड लोग लाए गए आरसी डिवीजन थाने की तरफ से। इसमें से 2 लोगों को फायर आर्म इंजरीज है, एक पे लेग में है, दूसरे के राइट अपर आर्म में है। बाकी 2 लोगों के तो नॉर्मल चोटें हैं, गिर के चोट लग सकती है वैसी चोटें हैं। मेडिकल सभी का कर दिया गया है, एडमिट कर लिया है 4। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।